14 फरवरी 2019 से लेकर आज तक इस देश में गुस्सा है। ये देश चाहता है कि वो जो हमारे वीर सैनिक, हमारे पैरामिलिट्री सीआरपीएफ के जवान जो आतंकी हमले में शहीद हुए थे, उनको सच्ची से श्रद्धांजलि दी जाए। 26 फरवरी 2019 को सरकार ने यह तय किया कि हम पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के ऊपर प्रीएम्प्टिव नॉन मिलिट्री स्ट्राइक करेंगे। सरकार ने जो फैसला किया, पूरा मुल्क और तमाम विपक्ष सरकार के पीछे खड़ा हुआ पाया गया। हम पूरा मुल्क और पूरा विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े पाए गए। पाकिस्तान ने जो कल कार्रवाई की है, उस कार्रवाई की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पिछले कई दशकों के से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है। सेमी स्टेट एक्टर्स, नॉन स्टेट एक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए और अपनी इन घिनौनी हरकतों के ऊपर पर्दा डालने के लिए उसने कल हमारे फौजी ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश की। हर भारत का नागरिक और हर शांतिप्रिय नागरिक इस दुनिया का उस कार्रवाई की कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करता है। पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ऐसे समय जब मुल्क का जो माहौल है, मुल्क का जो मिजाज है, वो राजनीति से ऊपर उठा हुआ है और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने वर्किंग कमेटी की जो बैठक थी उसको स्थगित किया, क्योंकि हमारा ये मानना है कि ये समय नहीं है राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का। और ऐसे समय में भारत के प्रधानमंत्री ने ये उचित समझा कि वो देश को संबोधित करने की जगह अपने बूथ के वर्करों को संबोधित करें। आज समय है देश को और सुदृढ़ करने का, देश को और मजबूत करने का, और ऐसे समय में देश अपने नेतृत्व की ओर देखता है। और अगर मुल्क ये पाए कि जो कहते थे कि देश दल से बड़ा है, उनकी जो कथनी और करनी में दल देश से बड़ा पाया जा रहा है, तो एक बहुत बड़ी ठेस पूरे मुल्क को पहुंचती है। और यह सिर्फ प्रधानमंत्री जी तक ही सीमित नहीं है। जिस दिन नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स की गई, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गाजीपुर में प्रधानमंत्री के लिए वोट मांग रहे थे कि श्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाए। हम उनसे पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष से, क्या यह समय है सियासत करने का?
क्या ये समय है राजनीति करने का? उनके कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि नॉन मिलिट्री प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से हमारी 28 में से 22 सीट आ जाएंगी कर्नाटक में। श्री गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि जो एनडीए भाजपा की रैली में भाग नहीं लेगा 3 मार्च को, वो कथाकथित तौर पर पाकिस्तानी है। हम बहुत जिम्मेवारी से यह सरकार को कहना चाहते हैं कि ये जो सारे बयान हैं, ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा तंत्र को मजबूत करते हैं और ये सारे वक्तव्य आज की तारीख में, आज की परिस्थिति में भारत के हक में नहीं है। आज सारा देश एक है, सारे लोग एक हैं, पर आज जरूरत यह है कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी को एक होना चाहिए। At a point in time when the nation is united, there is a need for the government and the BJP to come together. And I would leave it at that. The floor is over to you. So, kabhi to boliye. देखिए, जहां तक विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान का संबंध है, हम पाकिस्तान से ये मांग करना चाहते हैं और पूरे जोर से ये मांग करना चाहते हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को तुरंत पाकिस्तान की सरकार बाइज्जत भारत वापस भेजे और जिस तरह से उनके साथ सलूक किया गया, वो जेनीवा कन्वेंशन का सीधे सीधे तौर के ऊपर उल्लंघन है और मानवता और जो कूटनीति के असूल हैं वो ऐसी कार्रवाई की इजाजत नहीं देते। देखिए, ये समय नहीं है इस सवाल का जवाब देने का, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि भारत, और जब मैं भारत की बात करता हूं मैं किसी सरकार की बात नहीं करता, मैं भारत की तमाम सरकारों की बात करता हूं, कि एक चीज निस्संदेह रही है कि भारत अपने फैसले खुद करता रहा है और भारत अपने कूटनीतिक और सामरिक फैसले खुद करता है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सरकार भी उन्हीं कदमों के ऊपर चल रही है, पर बुनियादी बात यह है जिस बात को हम दोहराना चाहते हैं कि ऐसे समय में एक राजधर्म होता है और उस राजधर्म का अभिप्राय यह है कि देश दल से बड़ा होता है। और यह समय नहीं है राजनीति करने का, यह समय नहीं है सियासत करने का। देश अपने सियासतदानों को, अपने नेतृत्व को दलगत राजनीति से ऊपर उठता देखना चाहता है और हम सरकार से बहुत विनम्रता पूर्वक ये आग्रह करते हैं कि दलगत सियासत से ऊपर उठने का समय है।
देखिए, आप अगर संपूर्ण विपक्ष के वक्तव्यों में को संज्ञान में लें तो एक बात बिल्कुल साफ तौर पर उभर के आती है कि विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरकार की ना आलोचना की गई और ना सवाल पूछे गए। ऐसा नहीं है कि सवाल नहीं है, पर हमारा यह मानना है कि यह समय नहीं है उस सवाल पूछने का। पर दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि ऐसे संवेदनशील मौके पर प्रधानमंत्री जी की, गृह मंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की, उनके जो बाकी मंत्री हैं, उनके जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो प्राथमिकता है वो सामरिक नहीं है, उनकी प्राथमिकता राजनीतिक है। और इस पे हमको आपत्ति है, इसलिए हमने आज ये ब्रीफिंग रखी थी कि सरकार से ये अनुरोध किया जाए कि देश के जीवन में एक समय होता है जब दलगत राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत होती है, और आज वो समय है कि सरकार के मंत्रियों को, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दलगत सियासत से ऊपर उठना चाहिए। देखिए, ऐसे समय के ऊपर ये अगर और मगर वाले सवालों का जवाब नहीं दिया जाता। जहां तक जनीवा संधि का सवाल है, जनीवा संधि पूरी तरह से लागू होती है और पाकिस्तान का उत्तरदायित्व है, पाकिस्तान की जिम्मेवारी है कि उस संधि के तहत हमारे जांबाज पायलट को एक मानवीय तरीके के साथ, उसके साथ व्यवहार किया जाए और तुरंत उसको भारत को बाइज्जत लौटा दिया जाए। क्या गुड। देखिए, कुछ बातें बहुत साफ हैं। पिछले 4 दशकों से पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद प्रोत्साहित करता रहा है और उसका पहला भुक्तभोगी पंजाब था। 1980 से लेकर 1995 तक पंजाब ने वो पाकिस्तान से प्रोत्साहित आतंकवाद को अपने जिस्म पे झेला था। हजारों बेगुनाह लोग उस आतंकवाद में मारे गए। तो एक समय होता है बातचीत करने का, एक माहौल होता है बातचीत करने का, आज वो माहौल नहीं है। और अगर सम्मानित सरदार नवजोत सिंह सिद्धू जी की कोई और राय है तो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, वो कांग्रेस पार्टी की राय नहीं है।